हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास टेंथ के इंग्लिश के सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। इस वीडियो में हम इसका शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो आइए बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग, यानी कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। तो इसका आंसर होगा, डॉक्टर हैरियट ट्रीट द डॉग ट्रिकी विथ लव एंड कंपैशन, यानी डॉक्टर हैरियट ट्रिकी का बहुत प्यार और करुणा के साथ इलाज करते हैं। ही कट डाउन ट्रिकीज फूड एंड मैड हिम एक्सरसाइज, यानी वह उसका खाना कम कर देते हैं और उससे व्यायाम करवाते हैं। ही गेव हिम नो मेडिसिंस, यानी वह उसको कोई दवा नहीं देते हैं। ही स्पेशल ट्रीटमेंट मैड ट्रिकी वेल, यानी उनका यह विशेष प्रकार का इलाज ट्रिकी को बिल्कुल ठीक कर देता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पॉम्फ्रे कंसर्न अबाउट ट्रिकी, यानी श्रीमती पॉम्फ्रे का ट्रिकी के लिए चिंतित होने के पीछे क्या कारण था। तो इसका आंसर होगा, ट्रिकी वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग फॉर द पास्ट फ्यू डेज, यानी ट्रिकी पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं खा रहा था। हिज बिहेवियर वाज टोटली चेंज्ड, यानी उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। ही हैड रिफ्यूज्ड ऑल हिज फेवरेट डिशेज एंड टर्न टू मच लेजी, वह अपना पसंदीदा भोजन भी नहीं खा रहा था और वह बहुत आलसी हो गया था। ऑल दीज थिंग्स मेड हर वरीड, यानी इन्हीं सारी बातों से वह बहुत परेशान थी, चिंतित थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इन द बिगिनिंग द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बोरिंग वाई, यानी शुरुआत में घर के कुत्तों को ट्रिकी उबाऊ क्यों लगा। तो इसका आंसर होगा, ट्रिकी वॉज अ न्यू कमर इन द हाउस, यानी ट्रिकी घर का नया एक सदस्य था। मोर ओवर ट्रिकी वॉज लेथार्जिक टू प्ले विद देम, और इसके अतिरिक्त ट्रिकी खेलने में बहुत सुस्त था। ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल देयर, यानी वहाँ पे उसको आराम नहीं था। बट आफ्टर अ फ्यू डेज ट्रिकी स्टार्टेड इंजॉइंग विद देम, परंतु कुछ दिनों के बाद ट्रिकी ने खेल में आनंद लेना शुरू कर दिया। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग, यानी वह उनके समूह का एक अस्थायी सदस्य बन गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिसेस पॉम्फ्रे रिंग हर हैंड्स, यानी श्रीमती पॉम्फ्रे अपने हाथों को क्यों ऐंठती हैं। तो इसका आंसर होगा, व्हेन डॉक्टर गेव एडवाइस टू कट डाउन ट्रिकीज फूड शी डिड नॉट नीड हिज एडवाइस, यानी जब चिकित्सक ट्रिकी का भोजन कम करने की सलाह देता है तो वह उसकी सलाह नहीं मानती हैं। सी थॉट ट्रिकी वाज वीक, यानी वह सोचती हैं कि ट्रिकी कमजोर हो जाएगा। फाइव नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर वाज सी एक्सपेक्टिंग अ कॉल, यानी उन्हें किसके कॉल का इंतजार था। तो इसका आंसर होगा, सी वॉज वेटिंग फॉर द कॉल फ्रॉम द हॉस्पिटल, यानी उनको अस्पताल से आने वाले कॉल का इंतजार था। सी वॉज सजेस्टेड दैट ही शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सम डेज, यानी उनको सलाह दी गई थी कि ट्रिकी को कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रहना चाहिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, यानी ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था। तो इसका आंसर होगा, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वॉज टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट, यानी ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका उसके आहार को संतुलित करना था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नो मेडिसिन्स वर रिक्वायर्ड टू ट्रीट ट्रिकी, यानी चिकित्सक के अनुसार ट्रिकी को किसी दवा की जरूरत नहीं थी। ओनली कंट्रोल्ड डाइट एंड एक्सरसाइज कुड सेव ट्रिकी, यानी केवल संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से उसको बचाया जा सकता था। सेवन नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी ट्रिकी वास्तव में कौन सी बीमारी से जूझ रहा था। तो इसका आंसर होगा, एक्चुअली ट्रिकी हैड नॉट एनी फिजिकल डिजीज, यानी वास्तव में ट्रिकी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग, यानी उसको ज़्यादा खाने की वजह से उल्टी आने की समस्या थी। ही वॉज लेजी बिकॉज ही डिड नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज, वह कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं करता था इसलिए वह आलसी था। एट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी व्हेन हिज बेस्टिक वेंट टू रिसीव हिम, जब ट्रिकी की मालकिन उसे लेने पहुंचती थी तो उस समय ट्रिकी की क्या प्रक्रिया थी। तो इसका आंसर होगा, व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस ही टूक ऑफ फ्रॉम मिस्टर हैरियट आर्म्स, यानी जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो मिस्टर हैरियट के हाथ से भाग गया। ही टूक ट्रेमेंडस लीप, उसने एक जबरदस्त छलांग लगाई।
ही सेल्ड इनटू मिस्टर पॉम्फ्रेज लैप और वो श्रीमती पॉम्फ्रे की गोद में चला गया। ही स्वांड ओवर हर यानी वह उसके ऊपर झुक गया। ही लिक्ड हर फेस एंड बाग्ड उसने उसके चेहरों को चाटने लगा और भौंकने लगा। 9 नंबर क्वेश्चन है आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू यानी मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है। व्हाट वाज द क्योर यानी यह इलाज क्या था। तो इसका आंसर होगा इट वाज द क्योर ऑफ कंट्रोल ट्रिकीज डिट यानी यह इलाज ट्रिकी के आहार को संतुलित करना था। ही डिड नॉट गिव एनी फूड फॉर टू ट्रिकी फॉर 2 डेज यानी वह उसको 2 दिनों तक कोई आहार नहीं देता है। ही गेव हिम अ लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक यानी वह उसे बहुत सारा पानी पीने को देता है। ही गेव हिम नो मेडिसिन यानी वह उसे कोई दवा नहीं देता है। दैट वाज द क्योर यानी यही वह उसका इलाज था। 10 नंबर क्वेश्चन व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द बर्ड कन्वलेसिंग ऑन ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेस पॉम्फ्रे ने स्वास्थ्य लाभ इस शब्द का ट्रिकी की मालकिन मिसेस पॉम्फ्रे पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर होगा द मोमेंट मिसेस पॉम्फ्रे हर्ड दैट ट्रिकी वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वलेसिंग सी वॉज सो एक्साइटेड यानी श्रीमती पॉम्फ्रे जब यह सुनती हैं कि ट्रिकी अब खतरे से बाहर है और उसके स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है तो बहुत उत्साहित होती हैं। सी वॉज सो मच हैप्पी यानी वह बहुत खुश थी। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हर्ड दैट ही नीडेड अ ट्रीटमेंट व्हाट वॉज हर रिएक्शन यानी जब ट्रिकी की मालकिन को पता चला कि उसको इलाज की जरूरत है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसका आंसर होगा हियरिंग दिस फ्रॉम द डॉक्टर्स माउथ सी ऑलमोस्ट स्वॉन्ड चिकित्सक के मुंह से अब बात सुनकर श्रीमती पॉम्फ्रे लगभग बेहोश सी हो गई थी। सी वॉज श्योर दैट ट्रिकी वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे उनको पूरा यकीन हो गया था कि अगर ट्रिकी उन्हें अगर एक भी दिन नहीं देख पाएगा तो दुख से मर जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।